कहानी नंबर 161, इंकार। एक बार एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते पर एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा। दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि बारिश की वजह से पहला वाला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब मैं और मेरे बच्चे तुमसे शरण लेने के लिए आए तब तो तुमने मना कर दिया, अब देखो तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सजा तुम्हें मिल रही है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और यह कहते कहते पेड़ बह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझें। क्या पता उसके उसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाएं, इसलिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ही ना तोलें। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपने अपने जीवन में से कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।